नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल बालाजी चैनल में। दोस्तों आज हम आपको ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन करना सिखाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बाय करते हैं तो आजकल आपको एक इस तरीके का कार्ड देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ऑनलाइन पेटीएम से ये बोल्ट ऑडियो परचेज किया था, तो इसकी मेरे को वारंटी रजिस्ट्रेशन करनी है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे वारंटी कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है दोस्तों, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक बने रहें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, उसको हमें खुद से ही अपने हैंड से ही उसकी वारंटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों, ताकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम ऑनलाइन उसका क्लेम ले सकें, उसको रिपेयर या रिप्लेसमेंट हम ले सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में नेट ऑन कर लेना है और क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है, ठीक है। जैसा आपको, मैं क्रोम ब्राउज़र में चला गया हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने ये बोल्ट का ऑडियो लिया था, तो मैं इसी की वेबसाइट पे जाऊँगा। आपका अगर और कोई प्रोडक्ट है तो आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे। तो इस पर मैं टाइप कर देता हूँ www.bolt। ये देखिए दोस्तों, मैंने आधा ही लिखा हुआ है, तो ये bolt.com आ गया। हमें इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। क्लिक करने पे आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें सबसे ऊपर लिखा रहता है बड़े बड़े अक्षरों में बोल्ट ऑडियो। उसके नीचे ही आपको नज़र आएगा वारंटी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोडिंग लेगा और ये वारंटी रजिस्ट्रेशन लिखा होगा और ये कुछ इसमें इस तरह का आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, ठीक है दोस्तों। मैं अभी आपको डेमो दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये पहले से वीडियो से मैं थोड़ा लेट डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही वारंटी रजिस्ट्रेशन कर ली थी। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जो मैंने रजिस्ट्रेशन करा था, इसको मेरे को बेनिफिट ये हुआ है कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है ये ख़राब हो गया है। तो मैंने कैसे क्लेम किया है अपनी वारंटी को, इस और मेरे को उसका बेनिफिट भी मिला, मेरे को रिप्लेस होके न्यू मिले हैं अपने ईयरफोन। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर ऐसा होता है तो वो ऐसा करके अपना अपना रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इस पे मेल आईडी लिखा हुआ है। तो आपने जिस भी साइड से लिया था, आपका जो मेल आईडी है दोस्तों, आपको वो डाल देना है। जो भी आप, जैसे कि मान लीजिए आपने अमेज़ोन से लिया है या पेटीएम से लिया है, उसमें आपका जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी है वो आप इसमें डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे है नेम, आपका जो नेम है, मान लीजिए आपका पेटीएम अकाउंट है या अमेज़ोन अकाउंट है, किस नाम से है वो आप डाल दीजिए, ठीक है। और उसी अकाउंट के अंदर आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए। बात करते हैं नीचे प्लेटफॉर्म की। यहाँ पे कोने पे आप देख पा रहे हैं एक एरो का साइन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। यानी कि आपने कौन सी साइट से आपने ये ख़रीदा है, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक, पेटीएम, नायका, मिंत्रा, काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, तो आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने जैसे कि पेटीएम पे लिया है, तो मैं पेटीएम पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आता है प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे एरो का साइन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये आपने बोल्ट का, जाहिर सी बात है बोल्ट की साइड पे गए तो सारा आपको बोल्ट की ही चीज़ें, इसमें बोल्ट का ही प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से आपकी जो भी, आप जिस साइड पे जाएंगे, जो उनसे कंपनी की साइड पे जाएंगे, उसी के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका जो भी प्रोडक्ट का नाम है आप उसमें सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने ये मंगाया है बोल्ट ऑडियो स्ट्रोम एक्स, तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। परचेज डेट, यानी कि कौन सी डेट को, तारीख को आपने ये ख़रीदा है, इस पर क्लिक कर लेंगे ऐसे, और जो भी तारीख है आप उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है दोस्तों। सिलेक्ट करने के बाद नीचे वाला ऑप्शन आपको ये मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एक डेमो के लिए आज की 9 तारीख ही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और डेमो के लिए आपको यहाँ पर नज़र आएगा एक बॉक्स बना होगा छोटा सा, और लिखा होगा आई एम नॉट ए रोबोट। तो इस पर आपको क्लिक करना है, लोडिंग लेगा, ठीक है। तो आपको वेट कर लेना है थोड़ी सी देर। यहाँ पे राइट का साइन आ गया, ग्रीन टिक हो चुका है, इसके बाद आपको सबमिट कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप सबमिट, मैं अभी करके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि होगा नहीं, क्योंकि मैंने ये पहले से कर रखा है और ऊपर वाली डिटेल मैंने पूरी फिलअप नहीं करी है, ठीक है दोस्तों। ये मैं सिर्फ डेमो दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे एक नज़र आएगा कि आपकी वारंटी सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन
हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इसमें इतना ही करना है और आपकी वारंटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ताकि आपका प्रोडक्ट अंडर वारंटी होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको या तो रिपेयर करके मिल जाएगा या फिर उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, आपको न्यू प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे वारंटी रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आ रहा हूँ, उसमें आप ये देखेंगे जो मैंने अभी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया है अपने, ये जो बोल्ट ऑडियो ये मेरा ख़राब हो चुका था 5 साढ़े 5 6 महीने में। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कैसे उसको क्लेम किया है, मैंने क्या क्या प्रोसीजर फॉलोअप किए हैं, कौन सी साइड पे मैं गया था, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए, ताकि इनके साथ अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कैसे न्यू प्रोडक्ट ले सकते हैं या फिर जो प्रोडक्ट आपका ख़राब हो जाता है उसको आप रिपेयर करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।